आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। वहीं बता दें आपको ये भी कि आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी। वहीं बता दें आपको साथ ही ये भी कि इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं और ये जनता की उम्मीदों का बजट होगा, अनुराग ठाकुर ने कहा। वहीं आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। वहीं बता दें आपको ये भी कि रोजगार, महंगाई, टैक्स जैसे तमाम मुद्दों पर आज नजर रहेगी। वहीं निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10:15 पर कैबिनेट बैठक होगी आम बजट को लेकर। और वहीं वित्त मंत्री आज सुबह 11 बजे पेश करेंगी आम बजट और जनता को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आम नागरिक को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज 1 फरवरी यानी कि आज के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। आम नागरिक इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें जता रहा है। वही यहाँ सुबह 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। निर्मला सीतारमण आज बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। वही रोजगार, महंगाई, टैक्स जैसे तमाम मुद्दों पर आज नजर रहेगी। वही निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय भी पहुंच चुके हैं। वही 10:15 पर कैबिनेट बैठक होगी आम बजट को लेकर। वही जनता को इस बैठक से और आम बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे पेश करेंगी देश का आम बजट और देश के आम नागरिक को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि रोजगार, महंगाई, टैक्स जैसे तमाम मुद्दों पर आज नजर होगी और 10:15 पर आज कैबिनेट बैठक होगी आम बजट को लेकर। आज पेश होगा देश का आम बजट। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।